हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट सी। ओके, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आप एक्सरसाइज फर्स्ट सी, हम क्या देखेंगे? प्री नॉलेज। यहाँ पे लिख रहा है बेटा प्री नॉलेज। प्री नॉलेज का मतलब होता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, देखो आपकी जो फर्स्ट सी एक्सरसाइज है उसमें 9 डिजिट तक के नंबर्स को बताया गया है और उसको जो है जो उसके ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम बेटा यहाँ पे देखो 10 करोड़ तक के नंबर, 9 डिजिट नंबर मतलब 10 करोड़ तक के नंबर सीखेंगे, कैसे उनको पढ़ते हैं, कैसे उनको लिखते हैं। ओके, तो ये आपको पहले अपनी नोटबुक में नोट करना है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में जो भी बताऊँगा वो करना है। राइट, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चों मैंने एक नंबर ले रखा है 9 डिजिट का, आप देख रहे हो इधर। ठीक है, तो इसको देखो, इतना बड़ा नंबर है, इसको हम कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो देखो सिंपल ट्रिक है, पहले तो आप देखो काउंट करो 9 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, 9 डिजिट्स हैं। ओके, अब क्या करना है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड इस तरह से लिख लेंगे। देखो ये वंस टेंस हंड्रेड्स, ये क्या हो गया 1000, ये 10,000, ये लैक, और ये 10 लैक, ये सी मतलब करोड़ और टी सी मतलब 10 करोड़। ओके, अब आप क्या करोगे बेटा, इसमें ग्रुपिंग करोगे, क्या करोगे, ग्रुपिंग करेंगे हम। ठीक है, ग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले जो है हम 3 छोड़ के लगाएंगे। ठीक है, पहली बार जो हम ग्रुप बनाएंगे वो 3 छोड़ के बनाएंगे, 1 2 3, यानी 3 संख्या का ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 2 डिजिट का बनाएंगे इस तरह से, इसके बाद कुछ है नहीं आगे तो छोड़ दिया। यानी पहली बार कितने बनाएंगे, 3 का बनाएंगे, फिर 2 का बनाएंगे, फिर 2 का बनाएंगे, फिर 2 का बनाएंगे। समझ में आ गया इस तरह से। अब आप देख रहे हो बेटा, जैसे ये वाला जो ग्रुप है ये किसका है, 1000, इसमें भी 1000 आ रहा है, इसमें भी 1000 आ रहा है, तो ये वाला ग्रुप हमारा किसका है, 1000 का ग्रुप है। ये वाला ग्रुप किसका है, लैक का है, और ये वाला हमारा ग्रुप किसका है, करोड़ का है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे, 98, देखो इस ग्रुप में जो भी होता है एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, इसको एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो क्या लिख रहा है, 98 करोड़। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 98 करोड़। इसमें कितना लिख रहा है, 2 लाख, ये कौन सा ग्रुप है, लाख वाला ग्रुप है। ये वाला जो ग्रुप है वो है करोड़ का, किसका है, सी आर ओ आर ई, किसका है, करोड़ का। ये किसका है, लाख, ये किसका है, एल ए के एच, लैक। ये आपको पता है किसका है, 1000 का है। ठीक है, ये तो आप जानते हो, 234 लिख रहा है इसमें, सिंपल है, सिंपल 98 करोड़। ठीक है, 2,36,234, सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, तो लिख देंगे हम, स्पेलिंग मैंने आपको लिखी नहीं है यहाँ पे, 98 करोड़, 90 98 करोड़, सी आर ओ आर ई, करोड़। ठीक है, उसके बाद 98 करोड़ हो गया। अब इसमें कितना लिख रहा है, 2 लाख, तब लिख देंगे 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हो गया सब। इसमें 36,000, थर्टी सिक्स थाउजेंड, ठीक है, और 200, टू हंड्रेड थर्टी फोर, ठीक है, हो गया। इसी तरह से बच्चों आप सोच रहे होंगे, सर मान लो इसके अलावा और आगे हो तो क्या है, करोड़ के बाद क्या आता है, जैसे 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, उसके बाद क्या आता है,
इसके बाद आता है अरब। अगर आपको पढ़ना है तो अरब आता है, ARAB, अरब। जैसे मान लो एक और डिजिट होता 3 होता, तो हम कहते हैं 3 अरब 98 करोड़, इस तरह से आता है। फिर वो 11 डिजिट का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिजिट तक ही बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी 9 डिजिट तक ही बता रहा हूँ, और 10 डिजिट हो जाएंगे तो एक और चला जाएगा, वो अरब में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको आपको करना है सिंपल। तो आपको देखो फटाफट से करना है तो क्या करेंगे, 3 छोड़ के कॉमा लगा दो, फिर 2 छोड़ के लगा दो, फिर 2 छोड़ के लगा दिया, सिंपल। अब आपको पता है देखो ये 1000 का होता है, ये लाख का होता है, ये करोड़ का होता है, तो 8,61,41,45,105, सिंपल लिख देंगे। आप लिखेंगे इसको, मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखना है ये, ठीक है। तो इसका मैं फ़ोटो खींच के आपको सेंड करूँगा बच्चों, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। देखो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। तो देखो ये आप आपकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फर्स्ट सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, रीड एंड राइट डाउन इन वर्ड्स ऑफ वर्ड्स द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। अभी जो बच्चों हमने देखा था वो इंडियन नंबर सिस्टम था, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे 1, 10, 1000, 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये जो सिस्टम है वो कौन सा है, इंडियन नंबर सिस्टम। तो ये कह रहा है ये नंबर दे रखें और आपको इसको वर्ड्स में लिखना है, तो लिख दोगे। मैंने आपको अभी समझाया है प्री नॉलेज में, कर देंगे आप, सिंपल है। देखो यहाँ पे कॉमा भी नहीं लगाना, आपको तो पहले से ही लगा हुआ है, तो आप देख रहे हो। तो ये वाला तो 1000 का हो गया ग्रुप, ये वाला लाख का हो गया, तो 18 इस ग्रुप में लिख रहा है 18, तो 18 लाख। इसमें 00 लिख रहा है, इसका मतलब इसको बोलेंगे ही नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो 18 लाख और डायरेक्ट 808, सिंपल लिख देंगे आप ऐसे ही। इसको देखो ये कितना है, ये 1000 वाला ग्रुप, ये लाख वाला, तो 1,236,748, सिंपल। सिमिलरली यू कैन रीड दिस नंबर, यहाँ देख रहे हो आप, देखो ये हंड्रेड्स वाला हो गया, ये 1000, ये लाख और ये करोड़, ठीक है। तो 8,30,09,007, सिंपल। सिमिलरली इसको देखो, ये 100 वाला, 1000 वाला, लाख वाला, करोड़ वाला, तो इसमें 10 आ रहा है, तो 10 करोड़। 00 आ रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, 10,30,004, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से आप इनको, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वाला आप देखो, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ वर्ड्स में दे रखा है और आपको नंबर्स में लिखना है, वो भी आप लिख लोगे, ठीक है, 6,03,000। तो इसके लिए आप क्या करना है, एक इसमें थोड़ी सी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं लिखने में, तो आपको क्या करना है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है तो आप जो है ना, अब आप देख रहे हो 6 लाख तक के नंबर हैं, यहाँ पे कहाँ तक नंबर आ रहे हैं, लाख तक के नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, और फिर ये 10,000, लाख, और ये 10 लाख हो गया। अब आप इसके नीचे रखते जाओ, बस 6 लाख कह रहा है तो इसमें 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे रख दिया 6 लाख। 3000 कह रहा है तो 1000 के नीचे 3 रख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अगर ये यहाँ पे 3 की जगह 30 होता तो 3 इधर आता और 0 इधर आता, ठीक है। 700 तो 100 वाले के नीचे 7 रख दिया, सिंपल 7 रख दिया। फिर है 85, तो यहाँ 8 और यहाँ 5, सिंपल है, इस तरह से लिख देंगे। तो देखो ये आपका नंबर बन जाएगा, बहुत आसान है, जो कह रहा है उसके नीचे भर दो, जो छूट गया है उसमें 0 भर दो, बन जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये जो आप वर्क करके भेजेंगे, इसका आंसर आप अपने आंसर शीट में ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है, जिससे गलत वर्क ना भेज जाए। अगर गलत आपने भेजा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से करना है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ क्या बेटा, ये कह रहा है स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, प्लेस वैल्यू निकालना है, और प्लेस वैल्यू आप जानते हो बेटा कैसे निकालते हैं। ये कह रहा है 8 की प्लेस वैल्यू निकालो इसमें, तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, राइट। देखो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ, इसका फर्स्ट और सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, देखो आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको,
आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कह रहा है 8 in 287, 287 में 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 8 पे से लाइन खींचेंगे सीधे और इस तरह से बना देंगे एरो, यहाँ पे लिखेंगे 8 और 8 के बाद कितने डिजिट आ रही है, एक ही आ रही है, तो एक जीरो लगा देंगे, सिंपल। ऐसे ही ये कह रहा है 7 इन दिस नंबर, तो इस पे से लाइन खींचेंगे और ये करके 7 लिख देंगे, 7 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, 3, मतलब कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, कितने जीरो लग जाएंगे, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, सिंपल इस तरह से कर देंगे। तो ये जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है, राइट, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये सारे आपको करने हैं, 9 इन दिस नंबर, इसमें 9 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट आ रहे हैं तो 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बेटा फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस यानी डिफरेंस का मतलब क्या होता है बताओ, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है ना, ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है, यानी डिफरेंस यानी आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, किस किस का, प्लेस वैल्यू का, 6 इन दिस। अब इसको कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को भी मैं नोट कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, राइट। देखो बेटा मैंने समझाने के लिए ये क्वेश्चन फोर्थ वाला लिख लिया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो देखो क्वेश्चन था 6 इन, ये नंबर लिखा हुआ है 6,15,265 नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, दो जगह 6 आ रहा है, इसमें यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर है, ये नंबर इधर है, यानी ये जो नंबर है, ये जो वाला जो 6 है, इसके पीछे ज़्यादा डिजिट हैं, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी और इस वाले नंबर की प्लेस वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि ये इधर आ रहा है, इसके पीछे जो डिजिट हैं वो कम हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे, पहले इधर वाले को लेंगे जो हमारा पीछे की तरफ जाता है, इसको लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू बड़ी होगी, क्यों होगी वो भी, क्योंकि उसके बाद डिजिट ज़्यादा होंगे, तो इसको हमें ऊपर लिखना है, ओके। तो देखो इसकी प्लेस वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं, 6 के बाद देखो 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 लिख दिया, ऐसे ही इसकी प्लेस वैल्यू 6 की। तो देखो मैंने यहाँ पे दो कलर अलग अलग लिए हैं आपको ये बताने के लिए कि ये जो है वो इसकी है और ऊपर से ये जो आ रहा है वो नीचे लेना है आपको, इसके नीचे, जिससे कि आप माइनस कर सको, ठीक है, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से माइनस कर सकें। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 0, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल इसके नीचे जमाना है, 0 के नीचे 0 और ये 6। अब देखो जम गया, अरेंज हो गया, अब हम आराम से इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, बस अब इसको हमें सबट्रैक्ट कर देना है, और सबट्रैक्ट करना तो आपको आता ही है, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 0 में से 6 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, फिर हम इस वाले 0 पे से कैरी लेंगे, ठीक है, इस वाली 0 पे से कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9, और ठीक है, और इस पे से कैरी लिया है तो ये वाला जो 0 है ये क्या बन जाएगा, 10, तो 10 और ये 9 बन गया, ठीक है। अब देखो इधर सबट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या बनना है, आपको आसानी हो इसलिए आप इस 0 के नीचे 0, इस 0 के नीचे 0, इस 0 के नीचे ये 0, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझे ये बात। देखो तो बेटा अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो यहाँ से भी हम कैरी नहीं ले सकते, तो यहाँ से हमने लिया था तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 0 तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 पे जो है ये हमने जो 9 लिखा है वो इस पे से कैरी लिया होगा, तो हमने फिर यहाँ पे 5 कर देना है, समझ गई बात, यानी कम होता जाएगा ये, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखो 9 में से, अब सिंपल है, 0 तो 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 6 गया तो क्या आया, 4, और 9 में से 0 गया तो सीधा 9 आ जाएगा, 9 में से 0 ये वाला 9 आ जाएगा, इस 9 में से 0 जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, और ये 5 तो सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर हो जाएगा, सिंपल है, ये हमारा आंसर हो चुका है, हमें माइनस ही तो करना था दोनों का, तो इस तरह से कर देंगे बच्चों, ठीक है। देखो बाकी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ये कह रहा है 3 की प्लेस, 3 के निकालना है, देखो 3 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो कर देना 3 का निकाल देना और फिर 3 का नीचे लेके माइनस कर देना, ऐसे ही 5 का आ रहा है, दो जगह यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है,
तो इसका करना और फिर 5 का नीचे करना, माइनस कर देना, सिमिलरली इसमें हो जाएगा, तो ये आपको करना है, राइट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्या है इसमें ये करा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, वैसे ज़्यादा हो जाएगा है ना काम, तो एक काम करते हैं 4 तक ही, ठीक है, हम 5, 6 और ये आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है, वो प्री नॉलेज आपको फेयर में लिखना है और ये वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं, ठीक है। और होमवर्क टाइम से ज़रूर सबमिट किया करो, अगर आपने टाइम से होमवर्क नहीं भेजा तो वो सबमिट नहीं होगा। अब ये जो मैं काम दिया ये आपको कब सेंड करना है, या आपको कल छोड़ परसों, नेक्स्ट फिर दोबारा क्लास आएगी तो कल के अलावा परसों आपको सुबह 8 बजे तक ये काम भेजना ही भेजना है। 8 बजे से 1 मिनट भी ऊपर चला गया तो नहीं भेजेगा, तो परसों का इंतज़ार मत करिए, ठीक है, आप कल शाम तक ही भेज दीजिए, ठीक है, शाम तक ही भेज दिया करो आप काम करके, ठीक है। जैसे आज क्या है, और ट्यूसडे है ना आज, और कल क्या था मंडे, अब मंडे को जो क्लासेस आई हैं तो उनका काम आप आज कर लो और शाम तक आज ही भेज दो, और जो आज आ रहा है इसका काम कल कर लेना, शाम तक फिर भेज देना, ठीक है, ऐसे करके। सो ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको ये समझ में आ चुका है अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल।